हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई मायसेल्फ एंडी जोशी, और आज मैं आपको 12th क्लास यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश की बुक है विस्टास, उसके फर्स्ट लेसन जिसका कि टाइटल है द थर्ड लेवल, इस चैप्टर के एमसीक्यूज कराने के लिए जा रहा हूँ। दीज एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स and these questions will help you to get maximum marks and to maintain your good percentage. So these MCQs will help you in two ways. First of all, you will get the thorough knowledge of the lesson. आपको lesson की thorough knowledge मिल जाएगी इन MCQs के माध्यम से, क्योंकि एक MCQ question जो होता है वो एक काफी बड़े part को cover, lesson के बहुत बड़े part को cover करता है। सेकेंड थिंग, जब हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो हमको पूरे लेसन की जो नॉलेज है, जानकारी जो है, वो हमारे पास आ जाती है। और इन एमसीक्यूज को पढ़ने से, इनको समझने से, इनको लर्न करने से हमको अपने अपकमिंग एग्जाम्स जो भी हैं उनमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और हम अपना रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विस्टास बुक का लेसन फर्स्ट, जिसका कि टॉपिक है द थर्ड लेवल। लेट्स डिस्कस हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जो है वो आपके विस्टास जो बुक है, विस्टा बुक जो है उसका ये सबसे फर्स्ट लेसन है और इस लेसन के राइटर का नाम हमको आना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर राइटर या लेसन के ऊपर जरूर पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल चैप्टर का राइटर कौन है? तो इसका आंसर है जैक फिनी। जैक फिनी। तो यहां पर स्टूडेंट आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि सर ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। तो ऑप्शंस आपको इसलिए नहीं दिए गए हैं बिकॉज ऑप्शंस मेनी टाइम्स मेक सम कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उन कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि आपको सटीक आंसर लर्न होना चाहिए, सिंगल आंसर लर्न होना चाहिए, जिससे कि आप डाउट की स्थिति में ना रहें और अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को लर्न कर सकें। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास एमसीक्यूज को लर्न करें तो हमारे आंसर्स सिंगल होना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार डाउट और कंफ्यूजन की कंडीशन जो है वो क्रिएट ना हो। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। सेकंड थिंग, इससे बेनिफिट होगा, आपका टाइम बचेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लेटर बोर्ड द सिग्नेचर ऑफ। ये जो लेटर है इसमें एक लेटर मिलता है राइटर को, इसमें जो राइटर है उसको एक लेटर मिलता है और एक कहानी है जिसमें जो एक नरेटर है जिसका नाम है चार्ली, जिसने इस जो इस लेसन को नरेट किया है, इस लेसन को डिस्क्राइब किया है, उस लेसन के बारे में हमको बताया है, तो उसको एक लेटर मिलता है, उस लेटर पर सिग्नेचर किसके थे, ये क्वेश्चन है। तो उस लेटर पर जो सिग्नेचर थे वो थे सैम के। उस लेटर पर जो सिग्नेचर थे वो थे सैम वेनर के, जो कि चार्ली का क्या था, फ्रेंड था, नरेटर का क्या था, फ्रेंड था, जिसने इस लेसन को डिस्क्राइब किया है उसका फ्रेंड। तो उसके पास जो एक लेटर आता है, उस लेटर पर जिस व्यक्ति के सिग्नेचर थे उसका नाम था सैम वेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड सेंटर स्टेशन इज इन। ये जो ग्रैंड सेंटर स्टेशन है ये कहां पर है? तो ग्रैंड सेंटर स्टेशन जो है वो न्यूयॉर्क में है। ग्रैंड सेंटर स्टेशन जो है वो कहां पर पाया जाता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो न्यूयॉर्क शहर में पाया जाता है और यह वहां का एक बहुत ही बड़ा बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में काउंट होता है। इसका आंसर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज इन न्यूयॉर्क। ये जो स्टेशन है ये न्यूयॉर्क सिटी में है और ये वहां का एक बहुत ही बिजी स्टेशन है। और इस लेसन में जनरली बताया गया है इसमें दो लेवल पाए जाते हैं और दो लेवल से अलग अलग जगह के लिए ट्रेन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हिच ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक। ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है उसमें लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है और वहां पर ट्रेन की संख्या और पैसेंजर्स की संख्या जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो उसको उसके अकॉर्डिंग क्या कराया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है, लगातार वहां पर निर्माण कराया जा रहा है। सो द क्वेश्चन इज ग्रैंड सेंट्रल वॉज ग्रोइंग लाइक अ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। किस तरह से बढ़ता जा रहा था? लाइक अ ट्री,
जिस प्रकार एक ट्री होता है ना, उसकी ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो था वो एक पेड़ की तरह क्या हो रहा था, बड़ा होता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ली पाउंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। चार्ली जो है, जो इस लेसन का नैरेटर है, जिसने इस लेसन को डिस्क्राइब किया है, जो इस लेसन का मेन कैरेक्टर है, उसका एक शौक था, उसका एक शौक था स्टैम्प कलेक्शन का। तो उसमें उसको क्या मिलते थे, देखिए यहां पर एक नया वर्ड क्रिएट किया गया है जिसका नाम है फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है जब कि कोई नया टिकट, जब कोई नया स्टैम्प गवर्नमेंट क्या करती है, लॉन्च करती है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं, जिनको शौक होता है, स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक होता है, एक हॉबी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि फर्स्ट डे हम उस जिस दिन डेट में वो टिकट लॉन्च हुआ, स्टैम्प लॉन्च हुआ, उस दिन हम खरीदें, दे गो टू देयर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहां पर वो स्टैम्प को खरीदते हैं, सेल्फ एड्रेस पर उसको क्या, सेल्फ एड्रेस के एक एनवलप पर उसको अफिक्स करते हैं, चिपकाते हैं, और फिर जो एम्प्लॉइज होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो बस स्टैम्प लगाते हैं, और वो जो एनवलप होता है, वो जो लोगों को स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, उनके घर पर आ जाता है। इस प्रकार ही उनके पास एक प्रूफ हो जाता है, एक एविडेंस हो जाता है कि उन्होंने फर्स्ट डे जिस दिन भी यह टिकट लॉन्च हुआ था, स्टैम्प लॉन्च हुआ था, उसको उन्होंने उस दिन खरीद लिया। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। तो राइटर जो चार्ली है, जो नरेटर है, उसको अपने स्टैम्प कलेक्शन में क्या चीजें मिलती थी, उसको स्टैम्प कलेक्शन में मिलती थी फर्स्ट डे कवर, जैसा कि मैंने आपको जस्ट डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर हैड रिटन, ये लेटर इसको कब लिखा गया था, क्वेश्चन इज दिस, जो लेटर है इसको कब लिखा गया था। तो ये लेटर है, इसके बारे में बहुत सारी डेट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको आना चाहिए, ये जो इसकी डेट एक्यूरेट याद करना पड़ेगी हमको, इसका ईयर एक्यूरेट याद करना पड़ेगा। तो द लेटर हैड रिटन, इस लेटर को लिखा गया था 1894 में, 1894 में इस लेटर को लिखा गया था, जिस लेटर पर सैम वेनर के क्या थे, सिग्नेचर थे, और जो कि चार्ली को प्राप्त होता है अपने स्टैम्प कलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का फ्रेंड कौन था। तो हम सबको इसका आंसर अच्छी प्रकार से मालूम है, चार्ली का जो फ्रेंड था उसका नाम था सैम वेनर, चार्ली का जो फ्रेंड था उसका नाम था सैम वेनर, ठीक है, जो कि थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। एक्चुअली इट्स एन इमेजिनरी स्टोरी, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा उसका फ्रेंड कौन था, उसका फ्रेंड जो था वो सैम वेनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ, चार्ली जो कि इस लेसन का मेन कैरेक्टर है, उसकी वाइफ का नाम क्या है, उसकी वाइफ का नाम है लुइसा। चार्ली की जो वाइफ है उसका नाम है लुइसा, लुइसा इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टिकट डिड चार्ली वॉन्ट टू बाय, चार्ली कितने टिकट खरीदना चाहता था। आंसर, चार्ली जो है दो टिकट खरीदना चाहता था, वन फॉर हिमसेल्फ एंड सेकेंड फॉर हिज वाइफ। तो वो दो टिकट खरीदना चाहता था, पहला टिकट अपने लिए और दूसरा टिकट अपनी वाइफ के लिए। दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू परचेज और बाय टू टिकट्स, तो ही वॉन्टेड टू बाय और परचेज टू टिकट, दो टिकट्स वो खरीदना चाहता था। लास्ट क्वेश्चन, Which newspaper is mentioned in this lesson? इस लेसन में किस newspaper को डिस्क्राइब किया गया है, किस newspaper का वर्णन किया गया है। आंसर इज दिस, इस लेसन में जिस newspaper का मेंशन किया गया है, उस newspaper का नाम है द वर्ल्ड। जिस लेसन, जिस newspaper को मेंशन किया गया इस लेसन में, उस newspaper का नाम है द वर्ल्ड, उसका नाम है द वर्ल्ड। These are all important MCQs of the lesson, the third level. Let's revise all the 10 MCQs one by one. Who is the writer of the lesson, the third level? Third level lesson ka writer kaun hai? Answer is Jack Finney. Next, the letter wore the signature of, letter par signature kiske the? Answer aayega
सैम वेनर के लेटर पर सिग्नेचर थे जो कि चार्ली को मिलता है। नेक्स्ट वन, ग्रैंड सेंटर स्टेशन इज इट। ग्रैंड सेंटर स्टेशन कहां पर है? ग्रैंड सेंटर रेलवे स्टेशन जो है वो न्यूयॉर्क शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड सेंटर स्टेशन वॉज ग्रोइंग लाइक अ। ग्रैंड सेंटर स्टेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा था एक ट्री की तरह। चार्ली फाउंड इन स्टैम्प कलेक्शन, चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन में क्या चीजें मिलती थी? तो चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर प्राप्त होते थे। नेक्स्ट है, द लेटर हैड रिटन इन, जो लेटर चार्ली को मिला सैम वेनर के सिग्नेचर वाला, कब मिला? तो मिला था उसको 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का फ्रेंड कौन था? चार्ली का फ्रेंड था सैम वेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ, चार्ली की वाइफ का नाम क्या था? चार्ली की वाइफ का नाम था लुइसा। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी टिकट चार्ली वॉन्ट टू बाय, चार्ली कितने टिकट खरीदना चाहता था? चार्ली वॉन्टेड टू बाय टू टिकट, चार्ली दो टिकट खरीदना चाहता था, वन फॉर हिमसेल्फ एंड सेकेंड फॉर हिज वाइफ। एंड व्हिच न्यूज़पेपर इज मेंशन्ड इन दिस लेसन, इस लेसन में किस न्यूज़पेपर का मेंशन किया गया है? इस लेसन में जिस न्यूज़पेपर का मेंशन किया गया है उसका नाम है द वर्ल्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल।